इंडियन प्रीमियर लीग के 53वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 12 गेंद पर 26 रन बनाने थे। आंद्रे रसल 14 बॉल में 20 रन पर और रिंकू सिंह 7 बॉल में 15 रन पर नाबाद थे। इसके बाद आखिरी दो ओवर्स में हुआ कुछ ऐसा जिसने केकेआर को दिलाई जीत। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर पंजाब किंग्स 11 ने टॉस जीतते हुए पहले बैटिंग की और मैच के पहले 20 ओवर में 7 विकेट पर 179 रन बनाए और जीत के लिए केकेआर को 180 रन का टारगेट दिया। जवाब में केकेआर ने 18 ओवर खत्म होने तक 4 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। उनके दोनों बैट्समैन आंद्रे रसल और रिंकू सिंह क्रीज पर नाबाद खड़े थे और केकेआर को अंतिम दो ओवर्स में अब विश्व रोमांचक मुकाबले को जीतने के लिए 2600 रन बनाने थे। इसके बाद क्या कुछ हुआ इन आखिरी 12 बॉल्स में इस वीडियो में आगे बताएंगे आपको। आईपीएल 2023 के 53वें मुकाबले में पंजाब किंग्स 11 ने टॉस जीत पहले बैटिंग करते हुए कप्तान और ओपनर शिखर धवन के 47 बॉल में 57 रन, जितेश शर्मा के 18 बॉल में 21 रन और फिर अंतिम ओवर्स में ऋषि धवन के 11 बॉल में 19 रन, एम शाहरुख खान के 8 बॉल में 21 रन और हरप्रीत बरार के 9 बॉल में 17 रन की मदद से 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 179 रन बनाए। पंजाब किंग्स 11 की तरफ से टॉप स्कोरर रहे शिखर धवन ने और चौके और एक छक्का लगाते हुए 57 रन बनाया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की बारी थी। केकेआर की तरफ से ओपनर जेसन रॉय ने 8 चौके लगाते हुए 24 बॉल में 38 रन और कप्तान नीतीश राणा ने 6 चौके और एक छक्का लगाते हुए 38 बॉल में 51 रन बनाए। इसके बाद उतरे आंद्रे रसल और रिंकू सिंह की बेहतरीन बैटिंग के दम पर केकेआर ने 18 ओवर्स में 4 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। इसके बाद पंजाब किंग्स 11 की तरफ से सैम कुरन ने 19वां ओवर डाला और उनके इस ओवर में 14 बॉल पर 20 रन बनाकर खेल रहे आंद्रे रसल ने सैम कुरन के इस ओवर में खुलकर खेलते हुए 3 छक्के लगाए। इसका नतीजा ये हुआ कि 19 ओवर्स की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर अब 4 विकेट पर 174 रन था। आंद्रे रसल 19 बॉल में 39 रन पर और रिंकू सिंह 8 बॉल में 16 रन पर खेल रहे थे। कुरन के पिछले ओवर में 20 रन बटोर रसल ने अपना काम कर दिया था और अब मैच के आखिरी 6 गेंद पर आईपीएल 2023 के इस 53वें मुकाबले को जीतने के लिए केकेआर को 6 बॉल पर 6 रन बनाने थे। पंजाब किंग्स 11 की तरफ से अर्शदीप सिंह ने मैच का ये आखिरी ओवर डाला। इस ओवर के अंतिम 4 बॉल पर रसल और रिंकू सिंह ने 4 रन और जोड़ लिए थे, यानी अब इस मैच को जीतने के लिए आखिरी 2 बॉलें बची थी और केकेआर को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। लेकिन अर्शदीप के ओवर की इस 5वीं बॉल पर अर्शदीप ने रसल को आउट कर मैच में ट्विस्ट ला दिया। इसके बाद आखिरी बॉल पर रिंकू सिंह ने अर्शदीप के इस लेग स्टंप पर फेंकी गई और फुल टॉस हाइट बॉल को डीप फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच से गैप में खेल दिया और बॉल एक टप्पा खाकर सीमा रेखा से बाहर थी और रिंकू सिंह ने आखिरी बॉल पे चौका मारते हुए केकेआर को जीत दिला दी थी। केकेआर ने 5 विकेट से आईपीएल 2023 का ये 53वां मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि रिंकू सिंह केकेआर की तरफ से आईपीएल 2023 के बेस्ट फिनिशर हैं? वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आईपीएल से जुड़ी इसी तरह की और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आईपीएल से जुड़ी इसी तरह की अगली प्रेजेंटेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।